नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीहोर के हम सबसे पहला चर्चा करेंगे, जहां खुले बोरवेल में 3 साल की मासूम गिर गई है। सूचना के बाद रेस्क्यू की टीम मौके पर फौरन पहुंची है। ग्राम मंगावली का यह पूरा मामला है, जिसे लेकर लगातार कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। सृष्टि कुशवाहा मासूम का नाम, जो कि अभी भी बोरवेल में फंसी हुई, जिसे निकालने के लिए तमाम कवायद लगातार की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए। तो आपको बता दें कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जेसीबी के जरिए जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, उसे सबसे पहले, उसका निर्माण सबसे पहले पूरा किया जाए, जिसे पैरेलल टनल बनाते हुए सृष्टि तक पहुंचा जा सके। लेकिन लगातार ये कवायद जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, कोशिशें तमाम आला अधिकारी की यही कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जाए। आपको बता दें कि तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। जिस वक्त ये सब हुआ, उस दौरान परिजन साथ थे नहीं थे, किस लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, अभी तक इसका अंदाजा नहीं लग पाया है। ये बताया जा रहा है कि कल ही बोरवेल खुदा था और उसके बाद आज सृष्टि इसमें गिर पड़ी। लगातार देखिए संजीदगी बढ़ती जा रही है, गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को आला अधिकारी भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर शुरू हो चुका है, युद्ध स्तर पर यह प्रयास भी जारी कि पैरेलल टनल बनाकर सबसे पहले सृष्टि तक पहुंचा जाए। ये भी बात सामने आई कि नरम मिट्टी क्षेत्र की, तो अगर टनल ठीक तरह से बनाई जाती है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा सृष्टि को निकालने के लिए, और इसी ओर कवायद करा है जिला प्रशासन भी। जेसीबी मशीनें यहां पर पहुंच चुकी हैं, खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सृष्टि से भी लगातार संपर्क हो रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि सृष्टि के परिजन अगर सृष्टि को आवाज देते हैं तो वो आवाज पर रिएक्ट भी कर रही है, मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है सृष्टि के अंदर, और ये लगातार वो गुहार भी लगा रही है अंदर से कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकाल लो। पापा से उसने गुजारिश की और पापा लगातार ढांढस भी बंधा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची का मनोबल बना रहे, टूटे नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची से संपर्क करते हैं जिससे ठीक रहे, वो स्थिति उसकी ठीक रहे, और इसीलिए तमाम कवायद भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई का काम तो शुरू हुआ ही है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी की कोशिश बच्ची पर, ये कोशिश भी कि इसे जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जा सके। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि 20 से 30 फीट तक बच्ची फंसी रह सकती है। अंदाजन इसी तरह से और इसी रणनीति के साथ ये बढ़ा जा रहा है आगे कि जेसीबी के जरिए जब पैरेलल टनल का काम पूरा होगा, जब पैरेलल गड्ढा पूरी तरह से खोद दिया जाएगा, तो टनल बनाकर इस बच्ची तक पहुंचा जाएगा। चूंकि 20 फीट तक की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द भी सफलतापूर्वक पूरा होने की पूरी पूरी उम्मीद भी है। साथ ही साथ ये निर्देश भी जारी हो चुके हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी इस ओर संज्ञान ले चुके हैं। ये उनकी तरफ से भी निर्देश है कि आला अधिकारी को जितनी भी कोशिश करनी हो करें, जिस भी चीज की जरूरत हो पहले ही जानकारी पहुंचा दें, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर सफलतापूर्वक पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए मॉनिटरिंग को लगातार कर रहे हैं और अधिकारियों से जान भी रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति फिलहाल क्या है। परिजन फिलहाल मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी लगातार जुटे हुए हैं इसी मशक्कत में कि सृष्टि तक लगातार अपनी बात पहुंचाते रहे, बच्ची का मनोबल इसी तरह से बना रहे, घबराए नहीं बच्ची। ये सबसे बड़ी कोशिश होती है जब भी कोई बच्चा बोरवेल में गिरता है, ये कोशिश की जाती है कि बच्चे का मनोबल उसी तरह से अडिग रहे जिससे इस बच्ची को जल्द से जल्द सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सके। सांस लेने में परेशानी आती है और इसी वजह से ऑक्सीजन की जो नली है वो भी डाली गई है इस बोरवेल में, जिससे सांस लगातार सृष्टि लेती रहे। खाने पानी का भी ये बताया गया है कि डालने की कोशिश की जाएगी, जिससे इस बच्ची तक आहार भी पहुंच सके, मनोबल बच्ची का ना टूटे, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह के मामलों को लेकर। ये लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से सृष्टि को बचाने की कवायद तेज होती हुई, प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है। स्थानीय लोगों से कहा जा रहा है कि दूरी बनाए रखें, जिससे सफलतापूर्वक इस काम को पूरा कर लिया जाए, इस बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अफरा तफरी का माहौल उस दौरान भी बना जब प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा था, परिजन काफी चिंतित हैं। लगातार ये कवायद जारी है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द निकाला जा सके। सृष्टि कुशवाहा का नाम बताया जा रहा है और ये भी बताया गया कि कल ही ये बोरवेल खुदा था, उसके बावजूद सुरक्षा के कोई खास इंतजाम यहां पर नहीं बरते गए थे,
और इसी वजह से सृष्टि कुशवाहा नाम की ये 3 साल की मासूम इसमें जा गिरी है। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जमीनी स्तर पर लगातार चल रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं कि जो भी जरूरतें हो सीधे भोपाल तक जानकारी पहुंचाए जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो सके। वासु, बिल्कुल अवंतिका, देखिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक 3 साल की मासूम बच्ची सृष्टि कुशवाहा, इसका नाम बताया जा रहा है, जो बोरवेल में गिर गई है। बोरवेल की जो गहराई है अगर उसकी बात करें तो 300 फीट बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो 50 फीट पे फंसी हुई है। ये सबसे पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 के माध्यम से, जो बोरवेल है यहीं पर, वो बोरवेल है ठीक सामने, जो तस्वीरें कैमरे में सामने आ रही है जहां पर बच्ची फंसी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात हैं और युद्ध स्तर पर लगातार बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये जो आप केबल्स देख रहे हैं इसके जरिए गड्ढे में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और कैमरा भी वहां पर अंदर भेजा गया है ताकि बच्चे के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सके और ये समझा जा सके कि बच्ची अगर किसी तरीके से कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है तो वहां पर उससे बात की जा सके और उस तक हर संभव जो मदद है वो पहुंचाई जा सके। यहां पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात हैं और करीब आधा दर्जन जेसीबी भी मशीनें यहां पर लगा दी गई हैं ताकि जो खुदाई का काम है वो तेजी से पूरा हो सके, क्योंकि 50 फीट तक यहां पे खुदाई करनी है और एक पैरेलल जो छोटा टनल है वो बनाने का काम यहां पर शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं खेत के बीचों बीच ये बोरवेल है जहां पर इस वक्त जो खुदाई का काम है वो काफी तेजी से चल रहा है। 3 से 4 जेसीबी जो है वो खुदाई कर रही है और जो मलबा बाहर निकल रहा है बाकी की जेसीबी उन्हें यहां से दूर फेंकने का काम जो है वो कर रही है। एम्बुलेंस यहां पर आ चुकी है, डॉक्टर्स की टीम यहां पर तैनात है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, परिवार वाले भी हैं यहां पे और परिवार वालों के साथ बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सब लोग यही दुआएं कर रहे हैं, यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मासूम बच्ची को जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाला जा सके। जनप्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। जो क्षेत्रीय विधायक हैं सुधीश राय, उनसे मैं बात कर लेता हूं। सर, कब आपको सूचना मिली कि बच्ची बोरवेल में गिर गई और अब रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? इनके गिरने के तुरंत 10 मिनट बाद ही मुझे फोन आ गया था। मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही दौरा कर रहा था और तुरंत हम आए। मेरे आने के पहले यहाँ प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम पहुंच गई थी और अब एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। सब यही कामना करते हैं कि बच्ची का नाम सृष्टि है, भगवान उसको नई एक जिंदगी दे। और रेस्क्यू ऑपरेशन आपके सामने दिख रहा है कि बड़ी तीव्रता से सब लोग लगे। क्या सर, अधिकारियों ने क्या आपको जानकारी दी है कि लगभग कितनी गहराई पे बच्ची फंसी हुई है और कब तक उससे उस तक पहुंचा जा सकेगा? लगभग 20 फीट की गहराई का ये बता रहे हैं। कोई हार्ड स्ट्रेटा है उसमें बच्ची फंसी है, कैमरे के माध्यम से देखा भी गया है तो उसके हाथ दिख रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके ये खुदाई आपके सामने चली रही है, भगवान अच्छा करे। कुछ मूवमेंट वगैरह सर नोट हुए हैं बच्ची के? मूवमेंट दिख नहीं रही, सिर्फ हाथ दिख रहा है और आगे अंधेरा है तो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो देखिए ये समस्या जरूर यहाँ पर सामने आई है कि जो मूवमेंट है वो फिलहाल नोटिस नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी जो है वो दी गई है, लेकिन फिर भी दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं और उम्मीद है कि सृष्टि जो है वो बिल्कुल सकुशल बाहर निकलेगी और इन तमाम जो लोग हैं उनकी कोशिश है रंग लाएगी। बड़ी संख्या में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा अमला है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जिनके जरिए, जिनकी मदद से लगातार जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और बड़े युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि कितनी तेजी के साथ पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर बनी हुई है कि कितनी फीट की गहराई पर बच्ची एग्जैक्टली है, वो हार्ड स्टेटा है, उसके चलते बच्ची कहीं और ज्यादा मुसीबत में ना हो, इन तमाम सवाल जो है वो अभी भी जिनका जवाब आना बाकी है। लेकिन जैसे जैसे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा अवंतिका, वैसे वैसे हम उम्मीद भी ये लगाएंगे कि सृष्टि तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। और ये जो आप फिलहाल तस्वीरों में देख रही हैं वही एक पैरेलल टनल, पैरेलल जो एक गड्ढा बनाने का काम जो है वो यहां पर तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद हम यही करेंगे कि दर्शकों तक हम जल्द से जल्द अच्छी खबर देखते हैं कि जब जब टनल बनाने का काम शुरू होता है चट्टानों के आड़े आ जाने की वजह से देरी ज्यादा होती है। इस क्षेत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या ऐसी मिट्टी है कि आसानी से टनल खुल जाएगी और जल्द से जल्द इस बच्ची को निकाला जा सकेगा?
देखिए यही मुसीबत का एक आलम यहाँ पर भी बना हुआ है। जो बैतूल में सूरत हाल था कि जो सरफेस था वो काफी हार्ड था, लगातार रॉक्स निकल रहे थे, और यहाँ पे भी आप अगर तस्वीर में देखेंगे तो मिट्टी से ज्यादा यहाँ पर जो चट्टान है, जो पत्थर है, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिनकी खुदाई करना आमतौर पर जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश पूरी तरह से जारी है, बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन यहाँ पर लाई गई है, जेसीबी की मदद से जो खुदाई है वो चल रही है, लेकिन हार्ड सरफेस होने के चलते कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें जरूर आने वाले समय में सामने आ सकती हैं। और पोकलेन मशीन भी यहां पर इस्तेमाल में ली जा रही है ताकि इस पूरे ऑपरेशन को और जल्द से जल्द और बेहतरी के साथ अंजाम दिया जा सके और जो ऑपरेशन के कामयाब होने की गुंजाइश है, जो चांसेस है, वो बढ़ सके। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये यहां पर जो डिगिंग का काम है, गड्ढा करने का, एक पैरेलल टनल बनाने का काम जो है वो चल रहा है, और यहां पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो लगातार सृष्टि तक ऑक्सीजन पहुंचाने का, उस तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरास यहां पर डाले गए हैं और कोशिश यही है कि हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट पर नजर रखी जाए ताकि जल्द से जल्द जो बच्ची है उससे कम्युनिकेट हो सके, उससे बातचीत हो सके। हालांकि उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन में सफलता मिले। डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल की टीम यहां पर मौजूद है और उतनी बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण भी अवंतिका पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए बार बार सवाल वही खड़ा होता है कि ऐसी लापरवाही क्यों, जब हर महीने लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही लोग क्यों करते हैं, क्यों बोरवेल को खुले में छोड़ा जाता है और इस तरीके की स्थिति परिस्थिति बन जाती है। हालांकि देखिए फिलहाल ये समय इस मामले पर इस पर बात करने से ज्यादा ये दुआएं करने का, ये प्रार्थनाएं करने का और कोशिश करने का है अवंतिका की जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। यही बात हम बार बार करते हैं, जो इस तरह से बोरवेल्स को खुले में छोड़कर बच्चों की जान में इतना बड़े जोखिम में डाल देते हैं। तो ये जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर आज फिलहाल चल रही हैं और उम्मीद हम लगातार यही कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकल सके। बिल्कुल, ये तमाम कवायद हम जमीनी स्तर पर देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी, वासु और कई गंभीर सवाल भी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए क्योंकि इस तरह के मामलों में देखा जाता है कि बच्चे का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, जिसकी वजह से परिजन लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं बच्ची से। ये कोशिश की जाती है कि उससे बातचीत करके उसका मनोबल बढ़ाया जा सके। अगर इस मामले को लेकर हम वासु बात करते हैं, क्या बच्ची में मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्या परिजन संपर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कोशिश लगातार अवंतिका की जा रही है कि बच्ची से संपर्क किया जाए, उससे बातचीत की जाए और उम्मीद भी यह है कि बच्ची की ओर से कुछ रिस्पांस मिले ताकि जो कोशिशें हैं और वो हमारी कामयाब हो। इसको लेकर लगातार जो एक्सपर्टीज की टीम है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को लेकर यहां पर प्रयासरत हैं, प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हमारी कोशिश भी यही बनी हुई है कि जो पूरा पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर कामयाब हो सके। तो इसको लेकर लगातार जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर जारी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासन के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस दिशा में काम करते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये कहना अवंतिका भी थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कितना इसमें और वक्त लगेगा। एसडीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या ऑपरेशन कितना अभी तक पूरा हो पाया है और कितना समय और लगने की गुंजाइश अभी? हमारी पूरी टीम आ चुकी है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, पूरी पुलिस प्रशासन है और सभी मशीनें भी आ चुकी हैं। लगभग हम लगभग 18 से 20 फुट खोद चुके हैं और मुझे लग रहा है कि एक से दो घंटे में हम उतनी जितनी हाइट तक, डेप्थ तक हमें पहुंचना, हम पहुंचे। सर कितनी हाइट पे बच्ची फंसी हुई और एक्चुअल? लगभग 25 से 30 फुट के बीच में है बच्ची। और बोरवेल की सर कितनी गहराई होगी? बोरवेल की गहराई तो अधिक है सर। कुछ कम्युनिकेट बच्ची के साथ कर पाए आप लोग? शुरुआत में बच्ची की हलचल अभी थी और हलचल हो रही थी, अभी हम ऑक्सीजन भी लगातार दे रहे हैं। एक्चुअली घटना लगभग डेढ़ पौने दो की है, उनके पिताजी ने हमें सूचित किया 2:30 पर, तो हम लोग तत्काल पहुंचे, तब तक लगातार बच्ची हलचल कर रही जी। तो सर अभी भी जो ऑपरेशन है उसमें 2 से 3 घंटे का समय और लग सकता है, ऐसा बता रहे? लगभग। तो देखिए जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में टीम मौजूद है, सर किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? जी, जैसे हमें जानकारी मिली थी तो वरिष्ठ अधिकारी को हमने बता दिया था, हमारी टीम के द्वारा यहाँ जेसीबी और जो पोकलेन के द्वारा गड्ढा करा गया, चालू है जो कार्य, साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, जिसमें एनडीआरएफ, भोपाल से एसडीआरएफ और अन्य टीमें
यहाँ रवाना हो गई है। ये देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर चट्टानें काफी आ रही हैं खुदाई में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबत है। बिल्कुल बिल्कुल मुसीबत है, इसमें थोड़ा समय लगेगा रेस्क्यू कार्य में, लेकिन चूंकि मशीन हमारे पास पर्याप्त है तो काम हो जाएगा। लगभग सर कितना अमला यहाँ पर लगा हुआ है जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है? ये SDRF होमगार्ड की सीओर की टीम में लगभग 30 लड़के हैं। बाहर से NDRF भी पूरी टीम के साथ आई है, भोपाल से एक SDRF की टीम आ रही है 20-25 सदस्यों की, तो इस तरीके से 100 सदस्य हैं कम से कम रेस्क्यू। तो देखिए जो टीम्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं, चाहे SDRF की हों, NDRF की हों, होम गार्ड्स की हों, ये टीम्स लगातार अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद हम यही कर सकते हैं अवंतिका की ये तमाम सारी जो कोशिशें हैं वो रंग लाएं और ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल रहे और षष्ठी को हम सफलतापूर्वक बाहर निकाल सकें। जी एक और पेचीदा पहलू वास्तु जिस पर आपसे जानकारी चाहूंगी, वाटर लेवल यहाँ पर कितना है? बोरवेल चूंकि कल ही खुदा है, क्या वाटर लेवल की कोई समस्या आ सकती है रेस्क्यू के दौरान? वासु मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश हम लगातार संपर्क करने की कर रहे हैं और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार कोशिशें जारी है कि सृष्टि को जल्द से जल्द सफलतापूर्वक इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए, आप नजरें लगातार बनाए रखिएगा। और इस बीच राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई है। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, बिरला मंदिर के पास की पूरी घटना। कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है, लेकिन राहत भरी बात यही कि जनहानि नहीं हुई। राजधानी भोपाल ये तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग की लपटें उठती हुई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें News18 आप तक पहुंचा रहा है। चलती कार में अचानक से आग लगी, इस तरह की घटनाएं गर्मी बढ़ती लगातार बढ़ती जा रही हैं। ओवरहीटिंग कई बार कारण सामने आता है, कई बार शॉर्ट सर्किट के चलते भी ऐसा होता है, लेकिन इस बार वजह का अभी तक खुलासा नहीं, लेकिन ये धू धू कर गाड़ी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। सहयोगी जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे, जितेंद्र विस्तार से जानकारी मामले पर। देखिए अगर बात करें तो ये बिरला मंदिर रोड की आपको ये घटना नजर आ रही है, सामने कार बुरी तरह से जल गई है, अचानक चलती हुई कार में आग लगी जिसमें काफी 3 लोग सवार थे। जब उन्हें लगा कि कार में धुआं निकल रहा है वो उतरकर अपनी जान बचाकर साइड में भागे। चलती हुई कार में आग लगी है, मगर जब तक पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती कार पूरी तरह से जल गई और इस तरह के हादसे भीषण गर्मी के चलते होने को देखने को मिल रहे हैं। और देख सकते हैं कार में किस तरह से आग लगी है, लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। ये बिरला मंदिर जो कि विधानसभा के सामने है का ये पूरा वाक्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीते जानकारी के लिए। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, सिद्धार्थ अपहरण मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। रायपुर पुलिस ने ये खुलासा किया है, अपहरण के बाद 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई थी। कवर्धा के दशरंगपुर के सिद्धार्थ को बरामद किया गया, यहां से अंकित मिश्रा और राज तोमर ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। यूपी और मध्य प्रदेश से किडनैपर्स को बुलाया गया था। सिद्धार्थ के अपहरण में कुल 5 लोग शामिल थे। चोट के निशान को लेकर भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, पीड़ित और आरोपियों के अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए News18।